नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रामबाण नुस्खे में। दोस्तों, अगर दूध पीना पसंद नहीं है तो इन चीज़ों को खाने से कैल्शियम की कमी पूरी होती है। इस वीडियो में आपके शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी से जो परेशानी और किन चीज़ों से हम कैल्शियम अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो किन किन चीज़ों से कैल्शियम पोटेशियम ये हमारे शरीर को मिलता है, इस बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको कि बीज अलसी, कद्दू और तिल के बीज कैल्शियम के लिए स्रोत होते हैं। इसमें कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पर्याप्त मात्रा में होता है। दही, 1 कप सादे दही में 30% कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B2 और विटामिन B12 होता है। इसलिए यदि आपको दूध नहीं पसंद है तो आप दही खा सकते हो। बीन्स, 1 कप बीन्स से 24% यानी कि 24% तक के कैल्शियम होता है। इसलिए बीन्स को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। पनीर, पनीर में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। पनीर सेवन करने से शरीर में कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी कमी भी पूरी हो जाती है। बादाम, बादाम खाने से भी हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। पालक, पालक में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। 100 ग्राम पालक में 99 मिलीलीटर कैल्शियम होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 3 बार पालक ज़रूर खाएं। सोया दूध या टोफू, अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप सोया दूध या टोफू को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका स्वाद दूध के स्वाद से काफ़ी अलग होता है। इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। भिंडी को हफ्ते में 2 बार खाने से दांतों खराब नहीं होते और हड्डियाँ भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।